कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, ये सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है, 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, EFIR, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1,00,000 पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजिस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था, ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था, वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे, गृह सचिव जी ने सभी IPS अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिल मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है, गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड़ नागरिकों को संविधान का जो स्पिरिट है, न्याय और आत्मसम्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्सरसाइज है। तो आप सभी लोग इसमें कोऑपरेट करिए और मैं मानता हूं कि जिसको भी कुछ कहना है मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूं। मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूं ठीक नहीं।
बनाया गया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत बीएमएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। मैं आप लोगों के सामने डिटेल में बताना चाहता हूं, आरोपी को आज पुलिस ने कस्टडी में लिया, कोर्ट ने रिमांड दे दी और आरोपी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और 15 दिन तक अस्पताल में रहेगा तो क्या इसकी पूछताछ ही नहीं होगी? पूछताछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमने प्रावधान किया है कि 60 दिन की अपर लिमिट के अंदर पुलिस इसका रिमांड ले सकती है, वरना उसको तो जुडिशियल कस्टडी में जेल में पहले भी रहना था और बाद में भी रहना है। एक दूसरा आरोपी पकड़ा जाए, पुलिस को दोनों को इकट्ठा करके पूछताछ करनी तो कैसे करेगी? तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी। 60 दिन के भीतर एक या दो टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया गया है। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको आप क्लैरिफाई करिएगा, जिससे जनता में गलत बात न जाए।